नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फरीद अहमद। संस्कार भारती के तत्वाधान में अधिपर्व कार्यक्रम के तहत टाउन हॉल से महानगर में लोक मंगल यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में लोक मंगल यात्रा निकाला गया है, जिसमें स्कूली छात्र व छात्राओं सहित झांकियाँ निकाली गई हैं, जिसमें भगवान शंकर की झांकी, भगवान राम की झांकी सहित अनेकों झांकियाँ निकाली गई हैं। क्योंकि हमारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा का प्रथम दिवस है, जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है, जिससे पूरे शहर को लोक मंगल यात्रा के जरिए जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, यह जो आज आप देख रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा जो हमारी रही है उसका द्योतक है। हमारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा जो नवरात्र का पहला दिन होता है, उस दिन से माना गया है। चैत्र प्रारंभ होने के बाद 15 दिन के बाद जो नवरात्र प्रारंभ होता है वो हमारा आदि नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है। तो आज के दिन नई पीढ़ी, आप देख रहे हैं छात्रों की संख्या, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, पीजी कॉलेज, अन्य विद्यालय के बच्चे हैं, इन बच्चों को ये संस्कार दिया जा रहा है कि नववर्ष 1 जनवरी नहीं है, नववर्ष चैत्र मास का जो हमारा ये नवरात्र का दिन है वो प्रारंभ होगा।